हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? अभी तक आपकी 5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 6th एक्सरसाइज। सो जो 6th एक्सरसाइज है आपकी, उसमें यूज़ तो हमारी 5 फिंगर्स का ही है, 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन थोड़ा उसका तरीका चेंज हो जाएगा प्ले करने का। तो लास्ट आपकी एक्सरसाइज मैंने बताई थी, वो आपकी थी 1 2 3 4 5, फिर से वही, ठीक है। अब जो आज की एक्सरसाइज है, यूज़ 5th फिंगर्स सबका है, लेकिन थोड़ा तरीका चेंज है, वो मैं अब आपको बताती हूँ, ठीक है। स्टार्ट हमें करना है वही सी से, ओके। और पहले मैं आपको राइट हैंड बताऊँगी, देन उसका सेम पैटर्न लेफ्ट हैंड का बताऊँगी, ठीक है। सो लेट स्टार्ट। एक बार आप पहले देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हमें 8 की काउंटिंग पूरी करनी है, हमें 8 तक काउंटिंग इसकी रखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद जहाँ 8 आपका ख़त्म हो रहा है डी पे, तो यहीं से फिर आप 1 लोगे, और 1 आपको लेना फर्स्ट फिंगर से। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 आपका यहाँ ख़त्म हुआ ई पे, यहीं से आप 1 स्टार्ट करोगे फर्स्ट फिंगर से। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसमें करना है आपको 1 2 3 4 5, 5 तक ही आप जाओगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, अब 5 से आपको बैक होना है 6 7 देन 8, ठीक है। 8 आपका आना चाहिए सेकंड फिंगर पे, आपको 8 ख़त्म करना है, यहाँ आपकी सेकंड फिंगर ही आनी चाहिए। अब सेकंड फिंगर को हटा के हम फर्स्ट फिंगर से फिर 1 इसी से ही स्टार्ट करेंगे, जिस नोट पे हमारा ख़त्म हो रहा है, जिस नोट पे हमारी काउंटिंग 8 की ख़त्म हो रही है, वहीं से हमें स्टार्ट करना है 1, वो भी फर्स्ट फिंगर से। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहीं से हम 1 स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फिंगर से। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आपको इसी तरीके से आगे बढ़ते जाना है। अब 8 मेरा यहाँ फिनिश हुआ डी पे, ठीक है। अब डी से ही हमें स्टार्ट 1 करना है, जहाँ आपका 8 ख़त्म होता है वहीं आपको 1 स्टार्ट करना है, वहीं से। बस फ़र्क क्या होगा, 8 आपका फिनिश हो रहा है आपका सेकंड फिंगर पे, ठीक है। अब हम 1 स्टार्ट करेंगे तो हमें फर्स्ट फिंगर का यूज़ करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब 8 यहाँ पे ख़त्म हुआ, फिर हम फर्स्ट फिंगर से स्टार्ट करेंगे यहीं से ई से। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आपको कंटिन्यू आगे तक करना है। बस एक चीज़ का याद रखना, आपको फोर्स देना, प्रेशर आपका बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं हो। ये मैं हर वीडियो में आपसे मना करती हूँ, आपको फास्ट नहीं करना है और थोड़ा सा प्रेशर देना है, ठीक है। हर एक नोट में बराबर टाइम होना चाहिए और स्लो टेम्पो, इसी तरीके से आपको आगे तक जाना है।
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है। लास्ट तक मैंने किया लेकिन मैंने थोड़ा स्लो टेम्पो में नहीं बताया अभी आपको, आपको स्लो टेम्पो करना है, आपको टेम्पो आपका रखना है, मैं बताती हूँ। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अब जहाँ एट खत्म हुआ यहीं से वन स्टार्ट करना है, फर्स्ट फिंगर से वन एट ठीक है। आपको ये टेम्पो रखना है और इसका पैटर्न जो मैं आपको हर एक्सरसाइज में बताते आ रही हूँ वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पैटर्न है, वो अगर आपको सेम वही रिपीट करना है इसमें भी वही आपका सी एंड सी ठीक है। आपको इससे करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू पैटर्न पूरा करना है वन टू थ्री फोर ठीक है। इस तरीके से आपको सेम पैटर्न इस पर अप्लाई करना है, एक्सरसाइज आपकी सेम यही होगी, आपको ये प्रैक्टिस करनी है और इसका बैक नहीं है, आपको सिर्फ जाना है और यही पैटर्न इसके साथ करना है ठीक है। आज का ये आपका चैप्टर है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है विद दिस पैटर्न। ओके थैंक यू।